हाय दोस्तों, मैं हूं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं ऑटो शो इंडिया। आज मैं फिर से आया हूं बिंद्रा मोटर्स पे गुरप्रीत भैया के पास। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं सबवूफर की रेंज। एक्चुअली सबवूफर तो बहुत तरह के होते हैं, बट डिपेंड करता है आपको कितनी आउटपुट चाहिए। तो थोड़ी सी नॉलेज आपको होनी चाहिए कि कौन सा सबवूफर लगवाना चाहिए और उसके साथ कौन सा एम्पलीफायर बेस्ट रहेगा। तो आइए वो जानते हैं भैया से कि सबवूफर के प्राइसिंग क्या है और क्या क्या ऑप्शन उनके पास अवेलेबल है जो आप अपनी कार में लगा के म्यूज़िक सिस्टम को और एनहेंस कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे सबवूफर्स के बारे में। सबवूफर कितने आरएम इसका होना चाहिए, किस एम्पलीफायर पे चलाना है, गाड़ी कौन सी है, ये तीन चीज़ें बहुत मैटर करती है आपके सेटअप के लिए। अगर गाड़ी के अंदर सीएनजी लगी हुई है तो बड़ा बॉक्स तो आ नहीं सकता, उसके हिसाब से ये स्लिम इन्क्लोजर आते हैं। या जैसी थार जैसी गाड़ी होगी उसमें स्लिम इन्क्लोजर आता है, उसमें इस टाइप के बड़े इन्क्लोजर नहीं आ सकते। बट जो लाउडनेस, जो डेप्थ इन बड़े इन्क्लोजर में आती है, इसमें थोड़ी कॉम्प्रोमाइज होती है, बट स्पेस के हिसाब से ज़्यादा कम्फर्टेबल रहता है। और अब जैसे आपने छोटा इन्क्लोजर ले लिया, उसके अंदर आप ज़्यादा हैवी सबवूफर लगा नहीं सकते। जैसे कि अब जैसे एग्जांपल के तौर पे ये 600 आरएम का सबवूफर है, तो इसके लिए इसको वॉल्यूम भी चाहिए, बॉक्स भी बड़ा चाहिए, ताकि इसके हिसाब से लो बेस निकले। अब इस सबवूफर को आप इसमें लगा दोगे तो वो आउटपुट नहीं बनेगी। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती है, कितने आपके एम्पलीफायर कौन से कितने वॉट का है, कितने आरएमएस देता है, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके प्रॉपर उसके हिसाब से अपना सबवूफर सेलेक्ट करिए। जैसे कि आपको बताना चाहूँगा, ये हमारा एंट्री लेवल का सबवूफर आता है, ये हमारा पूरा ट्यून इन्क्लोजर होता है। हम बेस ट्यूब वगैरह में डील नहीं करते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं और क्वालिटी साउंड नहीं आती। इन्क्लोजर के अंदर क्या होता है, प्रॉपर ट्यून्ड होता है बॉक्स ये, और उसके हिसाब से कैलकुलेटेड आवाज़ भी वैसी आती है। तो भैया, ये जो बॉक्स है ये इसी के साथ आया है या ये हम अपना कस्टम ट्यून करवाते हैं? आप ये अपने अकॉर्डिंग बनवाते हो, इसके अंदर हम 300 आरएमएस तक का सबवूफर आराम से प्ले कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला साइज आप कह रहे हो ये तो कॉम्पैक्ट हो गया सीएनजी के लिए। अगर इस वूफर को मैं बड़े बॉक्स में लगाऊंगा, जैसे मैं आपके लिए एग्जांपल के तौर पे, जैसे ये रॉकफोर्ड का सबवूफर है, ये 200 आरएमएस का सबवूफर है, इस बॉक्स में उस वाले बॉक्स में भी लग जाता है। अगर आप इसको बड़े बॉक्स में लगाओगे तो इसकी आवाज ऐसा लगेगा कि आपने 300-350 आरएमएस का सबवूफर सुन रहे हो। इतने मतलब कि बॉक्स से काफी फर्क बहुत फर्क पड़ता है। एनक्लोजर बोलते हैं, एनक्लोजर से बहुत फर्क पड़ता है। एनक्लोजर आपका कैसा है, कस्टम ट्यून्ड है, नहीं है, नॉर्मल है, उसके हिसाब से बहुत फर्क पड़ता है बेस का। आपको बेस की डेप्थ कैसी चाहिए, लाउड तो चाहिए, इन दोनों का प्राइस में कितना फर्क होगा? ऑलमोस्ट सिमिलर, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट क्या है कि 7,500 से स्टार्टिंग हो जाती है हमारी बॉक्स विद सबवूफर। मतलब ये आप कंप्लीट कह रहे हो ये 7,500 रुपए का है, और अगर कोई उस वाले बॉक्स में लेता है 500-700 रुपए का फर्क आता है, बॉक्स थोड़ा बड़ा हो जाता है उसके हिसाब से। इसमें आपके पास दो ऑप्शंस है, रॉकफोर्ड एंड जेबीएल। और इनको प्ले करने के लिए कौन सा एम्पलीफायर बेस्ट है? मिनिमम 4 चैनल एम्पलीफायर चाहिए। 4 चैनल हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक चैनल पे तो आपका 2 चैनल पे तो ये सबवूफर प्ले होगा। एक चैनल पे अपने आप एक पेयर कॉम्पोनेंट लगा के, ताकि फ्रंट स्टेजिंग के हिसाब से अच्छा एक सेटअप बन जाएगा आपकी। आप कह रहे हो कि 4 चैनल पे ना एक तो सबवूफर चल जाएगा ये, और एक पेयर कंपोनेंट लगा, एक पेयर कंपोनेंट। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रेंज आती है वो जीएल ऑडियो के सबवूफर की आती है। ये साइज वाइज 10 इंच के अंदर है। जिन बंदों को ज़्यादा लाउड बेस नहीं पसंद, टोटैलिटी बिल्कुल क्लियर चाहिए, एक्यूरेट बेस चाहिए, ये सील्ड इनक्लोजर के अंदर आता है जीएल का। इसमें भैया मैं देख रहा हूँ यहाँ पोर्टेड है, पोर्टेड एल पोर्ट कहते हैं, ये भी एल पोर्ट बॉक्स होता है, ये भी एल पोर्ट है, उसका पोर्ट काफी बड़ा है, बट ये कम्प्लीट सील्ड है, सील्ड बॉक्स है। तो ये तो शायद ऐसा लग रहा है जैसे बना बनाया ये कंपनी प्रीफिटेड आता है, कंपनी से जीएल ऑडियो के थ्रू आता है ये। ओके, कंपनी ही इसको बना के देती है अपने बूफर के हिसाब से। और इसको मैंने देखा भी है कि थार वगैरह में काफी लगता है, थार में तो सबसे ज्यादा ये हिट चीज है, आराम से लग भी जाता है और आपकी डिक्की वगैरह भी खराब नहीं होती इसमें। लेकिन इसकी जो आउटपुट है भैया, मैंने मुझे लगता है मतलब इससे भी बेटर है, बहुत बेटर वाली है, छोटे वाले की। एक्चुअली 300 आरएमएस का सबवूफर है, इसको आप मोनो पे भी चला सकते हो और 4 चैनल में भी, अगर हाई पावर 4 चैनल है तो उस पर चलेगा ये। मतलब आप कह रहे हो कि इसको तो 4 चैनल पे चला लो, नॉर्मल चल जाएगा। लेकिन इसके लिए हम ये रिकमेंड करते हैं आप इसके साथ मोनो चलाओ। अच्छा। मोनो में जो आउटपुट आएगी, क्वालिटी जो आएगी, वो मतलब चलने को, मतलब 4 चैनल पे चल जाएगा वो, या चलने को तो चल जाएगा बट वो उसकी फील ना आउटपुट नहीं आ पाएगी। ठीक है, वो बात है ना, आप उसको कम से कम 300 आरएमएस चाहिए। ओके, ठीक है, आप उसको दोगे 100 आरएमएस तो वो कहाँ परफॉर्म करेगा, वो बात हो जाती है। इसके बाद हमारी बात करेंगे जो बंदे बड़े सबवूफर मांगते हैं, हमें छोटा साइज नहीं चाहिए। ये डीडी का सबवूफर आता है सील्ड एनक्लोजर के अंदर, कंपनी फिटेड आता है, ये भी 300 आरएमएस के अंदर है। जिनको साइज 12 इंच में चाहिए तो ये दो ऑप्शन हमारे पास काफी अच्छे हैं। सील्ड मतलब जैसे आप कहते थे ये भी कंपनी से बना हुआ, ये भी सील्ड डीडी ऑडियो नहीं बनाया है। हाँ, रेड लाइन सीरीज के अंदर डीडी मैं देख सकता हूँ, ये साइड वगैरह में भी ऊपर, अच्छा ऊपर भी देख रहा हूँ मैं, इसमें ब्रांडिंग की हुई है उन्होंने रेड लाइन की,
और ये थोड़ा सा इसकी शेप भी अलग है, ये प्रॉपर सील्ड है और ये एंगल्ड के अंदर है। आपकी कोई सीएनजी वाली कार हो उसमें भी ये तो सीएनजी वाली कुछ कार्स में आ जाएगा, आराम से आ जाएगा भैया। लेकिन ये हाई पावर आप कह रहे हो, ये भी हाई पावर है, ये मोनो पे ही चलता है, फोर सेल पे हम रिकमेंड नहीं करते इसको चलाने के। अच्छा, इसको मोनो पे ही चलाना पड़ेगा, मोनो पे ही इसकी आउटपुट अच्छी आती है और मैचिंग में डीडी का ही मोनो लगता है, या सेट स्टॉप का मोनो लगा सकते हो आप 400 RMS का, या ब्रांडेड कोई भी मोनो लगाओ, बोलने का मतलब ये चाइनीज नहीं, ये है कि इसकी आउटपुट होगी फिर वो ये जो चीज है इनसे भी ऊपर चलेगा। जब आप इतना अच्छा सबवूफर ले रहे हो तो हम ये आपको ये रिकमेंड करेंगे आप एम बी ब्रांडेड लो। रेंज आपने जैसे इनकी बताई थी 7.5 के आसपास, 7.5 के आसपास विद इनक्लोजर ये वाला 13-13.5 हजार की रेंज में आता है इनक्लोजर। अच्छा, 11-11.5 हजार की रेंज में। अच्छा, उसका थोड़ा सा कम है उल्टा। हाँ, कम है उसका उल्टा, ये 13,000-13,500 के लगभग है, वो 11,500 का, 11.5 से 12 वेरी करता है, कई बार स्टॉक होता प्राइस है, तो प्राइस फ्लक्चुएट होते रहते हैं। बाकी के एवटार भैया, ये जो है ये जिन बंदों को डीप बेस पसंद है, जो काफी लाउड सुनते हैं, ओके ठीक है, ये सबवूफर SPL मतलब SPL साउंड प्रेशर लेवल कहते हैं, उसके हिसाब से सबवूफर है। 500 RMS में, 500 RMS, ओके। हाँ। मतलब अभी जो थे आप बोल रहे थे जैसे मतलब 275, ये 250 हो गया, 200-250 हो गया, 275 300 हो गया, ये 300 हो गया, ये 300 हो गया, ये 500 RMS लिखा हुआ है, बट एक्चुअल में ये 600-650 RMS बचता है। ओके, मतलब हाँ। कह रहे हो ये अंडररेटेड, हाँ अंडररेटेड ये कंपनी अपने लिखती है, लेकिन इसमें जो इसमें आप 600 RMS भी दोगे ना बहुत अच्छा बजेगा। बट ये D2 बूफर है, इसके साथ एम्पलीफायर भी D2 लगेगा। अच्छा, D2 D4 के बारे में हम अगली बारे में बात करेंगे। हाँ, क्योंकि वीडियो मुझे तो आइडिया भी है D2 पावर ज्यादा मतलब ले सकते हैं, उसके हिसाब से ही ये उसके हिसाब से मैचिंग बनती है, या किसी भी मोनो पे नहीं चलेगा, जो सपोर्ट करेगा उसी के साथ चलेगा, हम ये रेकमेंड करते हैं। इसका जो इंक्लोजर है मैं ये देख रहा हूँ, ये तो कॉम्पैक्ट है, बाकी बड़े में भी लगा सकते हैं इसको, ये कॉम्पैक्ट है, जिसके पास स्पेस कम है उसके लिए हम ये रेकमेंड करते हैं। जो बंदा कहता है हमें स्पेस से कोई दिक्कत नहीं लेकिन डीप लाउड बेस चाहिए, उनके लिए हम ये बड़ा इंक्लोजर इसको रेकमेंड करते हैं। तो इसमें ये वाले जो इंक्लोजर है ये भी हम यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं, एटलीस्ट इनके लिए हमारे पास 1000 RMS का मोनो होना चाहिए। ओके, उस पे ये अच्छे से प्ले होते हैं, क्योंकि 800-600 RMS के सबवूफर है। ओके, 600 तो रेटेड है ना, ये बचते 800 या 700 उसके हिसाब से। इसकी प्राइसिंग ये करीब 13.5 हजार के रेट पे आता है। अच्छा, मतलब लगभग सेम ही है, बात वो है कि देखो चीज है 13-13.5 हजार की, बट किसी ने 18 लगाने तो लग ही नहीं पाएगा ना। नहीं, सही बात है, उसमें लगेगा ही वो। अब जिस गाड़ी के अंदर जगह ही नहीं है उसमें 13 हजार का बूफर करोगे क्या? नहीं नहीं, सही बात वो होती है ना। मैं यही तो आपको स्टार्टिंग में बोला कि गाड़ी कैसी है। बाकी भैया ये जो साइज आपने रखा हुआ यही वाला है ना बॉक्स? हाँ, यही वाला। ये इसका साइज एक बार ये देखो, अंदर से प्रॉपर ये टेपर पे बना होता है, प्रॉपर एंगल कट पे होता है, पूरा ये पूरा फिक्स्ड होता है ये, और स्क्रू लग के प्रॉपर बनी होती है पेटी। मैं वही देख रहा हूँ कि अंदर से भी इसको जो प्रॉपर है ना, जो MDF का बोर्ड भी इसमें दिया हुआ है, बहुत हैवी है, तो ये प्रॉपर सारा कुछ जो संभाल लेगा, जो वूफर का प्रेशर लेवल होगा। हमारे इनक्लोजर्स होते हैं, हम जो लगाते हैं इसके अंदर इनक्लोजर्स, इसके साथ हम एक प्लग एंड प्ले टाइप एक सेटअप देते हैं, ताकि इजीली बंदा इसको रिमूव कर सके। वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो किस टाइप का होता है हमारा। जितने भी हमारे सब वूफर्स होते हैं, जो हमारे ट्यून्ड इनक्लोजर्स होते हैं, उनमें हम ये देते हैं इसके अंदर ऐसा कपलर, ताकि ईजिली आप इसको रिमूव कर सको। खोलना चाहो खोल सकते हो, ऐसे लगाया इसको लगाया। तो ये कहाँ पे लगेगा? ये यहाँ पे जो होल दे रखे है ना, जो भी तार निकाल रखी है, ओके, ये यहाँ पे ऐसे प्रॉपर फिट हो जाएगा। तो ऐसे ये इजीली आप इसको डिटैच कर सकते हो और इसको आप ऐसे लगा सकते मतलब हो। आप ये कह रहे हो कि जैसे किसी को कार में लगाना है और बीच में कभी जरूरत पड़े हटाना है तो इजीली ये जो है जस्ट यहाँ इसको डिटैच कर सकते हो, इसको प्लग आउट करो, कोई वायरिंग कोई शॉर्ट सर्किट का मतलब नहीं ना इसमें। और इजीली आप किसी भी गाड़ी में, आप ये नहीं कि बार बार आपको एम्पलीफायर से खोलना है इसको, वो चीज़ नहीं है, इजीली आप इसको डिटैच कर सकते हो। भैया ये सब तो हो गया, लेकिन मुझे अभी मतलब जैसे बड़े वाले रखे हुए हैं, अब इनमें कोई इससे ज्यादा बात फुल दी है? देखो ये तो हमारा 500 RMS रेटेड है कंपनी ने जो करा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट मॉडल आता है हमारा DD का आता है, ये 600 RMS के अंदर होता है। अच्छा, ये 600 RMS वाला मॉडल है। हाँ, इसके बाद हमारा ये आता है मशेट्टे का, ये 800 RMS का है, D2 सबवूफर है ये भी। अच्छा, जैसे बाकी ये D4 वगैरह होते हैं, सारे D4 होते हैं, वो भी D4 आपने बताया था, D2 है, D2 है ज्यादा पावर। हाँ, एक्चुअली जितने भी डेफ बॉन्स के अंदर प्रोडक्ट्स आते हैं सब D2 ज्यादा आते हैं। okay. तो उनके एम्पलीफायर्स भी जो होते हैं ना उसके हिसाब से ही होते हैं। तो भैया ये वाले का अंदाजा अभी जो DD है इसकी कॉस्टिंग कितनी होगी? 500-600 RMS जो आप बता रहे हैं, ये जो 500-600 RMS जो होता है हमारा इनक्लोजर के साथ, इसको करीब 24,500 पे, और जो ये वाला है 800 RMS में 28,000 पे, 28,000 के आसपास इसका। भैया सारे सबवूफर्स वगैरह आपने बता दिए, अप्रॉक्स इनकी प्राइसिंग वगैरह भी बता दी, बट एक रियल चीज़ जो मुझे लगता है कि वो होनी चाहिए
कि हम इनसे टेस्ट भी करके देखें कि कैसी परफॉर्मेंस आनी है। आप बताओ ना कौन सा आपको सबवूफर टेस्ट करना है। तो यहाँ शॉप पे तो नहीं होगा, मेरी कार में कर लेते हैं। आपकी गाड़ी में कर देते हैं, आपकी गाड़ी में एम्पलीफायर। मेरी गाड़ी में अभी जो लगा हुआ है फिलहाल उसकी नहीं बात करूंगा, मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं। मेरे हिसाब से जो है नॉर्मल सब ने सुने ही होंगे ये भी है, बट मुझे जो समझ आ रहा है ना इसमें तो या तो 500 आ रहे में सब कह रहे हो, ये वाला 600 ओके सॉरी 600 आ रहे में से, और ये वाला 800 ये वाला ही ट्राई करते हैं भैया। हाँ, करते ना अभी कराते हैं आपकी गाड़ी में टेस्ट। चलो फिर चेक करते हैं। अब कैसा लगा डेमो आपको भैया? भैया डेमो तो मैंने ले लिया, लेकिन उसके अलावा पब्लिक ने भी जो ये वीडियो देखी है तो उनको थोड़ा अंदाजा लग गया होगा, जो वीडियो में तो नहीं पता चलता, लेकिन हाँ इसका जो मैंने देखा अभी जो आउटपुट था, जितना ये फ्लैक्स कर रहा था वो वाइब्रेशन, वो जो फील थी ना पंच, वो अलग ही था। मेरी गाड़ी में CNG की वजह से थोड़ा सा स्पेस नहीं है, तो मैं इस वाले बॉक्स को नहीं लगा पाता चाहते हुए भी, वो दिखाई होगा वीडियो में कि किस तरह से मैंने इसको भी प्ले करवाया। लेकिन फिर भी मतलब ये 800 RMS का अकेला मेरे पुराने वाले दो सबवूफर को फेल कर रहा है, और फ्यूचर के लिए मैं तो यही सोचूंगा कि मैं CNG सबसे पहले हटाना, उसके बाद CNG तो पता नहीं हटेगी नहीं हटेगी फिलहाल, क्योंकि मेरी रनिंग ऐसी है तो मुझे थोड़ा सा ये होता है उसमें बच जाता है। लेकिन फिर भी हाँ ये है कि मैं भी अपने लिए अगर प्लान करूंगा तो यही चीज प्लान करनी है, एक बार एनक्लोजर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा उसके लिए, कुछ इस टाइप का जो भी पॉसिबल अगर हो सका कभी तो बनवाएंगे। बाकी जो भी है भैया बहुत बढ़िया लगा मुझे, और मैं सबको रेकमेंड करूंगा, अगर किसी को भी कोई मतलब सबसे स्ट्रांग चीज लगवानी हो ना भाई, इसको लगवा लो। ये मैसेटे का फाइट है 800 RMS DVC, मतलब जबरदस्त आउटपुट थी, और मेरा था एवेटार का 1000 RMS का मोनो। तो भैया इसमें आपके पास कौन से मोनो अवेलेबल होंगे? इसके साथ डेफ बोन्स की लगाते हैं मोनो। अच्छा डेफ बोन्स का ही मोनो ओरिजिनल लगेगा, सेम कंपैटिबल रहेगा तभी उसकी आउटपुट बनती है। हाँ, मेरे पास अभी एग्जैक्ट तो नहीं था, बट D2 क्या होता है वो एक्चुअली जो डेफ बोन्स के मोनो होते हैं वो D2 सबवूफर को सपोर्ट करते हैं, आइदर आप एवेटार लगाओ या आप डेफ बॉक्स लगाओ, वो दोनों को सपोर्ट करता है, तो वो चीज़ें उसके हिसाब से ही है। बाकी भैया मेरे ख्याल से सबने देख लिया, जो भी है आपको कॉल करके बाकी कोई भी आके यहाँ लगवा सकता है, आप अपना डिटेल्स बता दीजिए और हम इस वीडियो का एंड करते हैं। डिटेल बताने से पहले ना मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। जी भाई, जैसे आपने चीज़ें देखी क्या होता है, अब यही चीज मैं बोल रहा था, अब आपकी गाड़ी में एक ड्रॉबैक है, आपकी गाड़ी में CNG लगी है। बिल्कुल आपका मन है ये लगाने का? हाँ बिल्कुल। आप कॉम्प्रोमाइज करोगे किसी और चीज के साथ? हाँ, समझ रहे बात को भैया? जो है तो यही चीज होती है कि पहले आप ये चीज समझो आपकी गाड़ी में स्पेस कितना है। आप 800 RMS लगा तो लोगे, लेकिन उसको लगाओगे कैसे, वो चीज होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप काम कराने के लिए आ सकते हो बिंद्रा मोटर्स पे, जो जनकपुरी दिल्ली हाट के बिल्कुल ऑपोजिट पड़ता है, और मेरा मोबाइल नंबर है 9871807131। नाम मेरा गुरप्रीत है। अगर आप अपने ऑडियो सेटअप को अपग्रेड करना चाहते हो आप मोस्ट वेलकम हो, आप हमारे स्टोर पर विजिट कर सकते हो। थैंक यू। आपने एक और चीज़ करनी है कि कोई भी ये जो चीज़ें लगवानी हो ना, तो सबसे पहले आप ये सोचो कि आपके माइंड में क्या है, मतलब कि बहुत ही हाई आउटपुट चाहिए या नॉर्मल चाहिए। नॉर्मल चाहिए तो JBL वगैरह है या जो भी बेसिक है वो ब्रांड लगाइए, लेकिन जो हाई आउटपुट चाहिए ना तो फिर वो यही चीज़ है, या जो लास्ट वाला मैंने दिखाया था जो मेरी गाड़ी में भी आपने सुना अभी, जो साउंड क्वालिटी उसमें आ रही थी, जो बेस उसमें बज रहा था ना, वो चीज़ चाहिए तो फिर थोड़ा ऊपर तक आपको जो है स्पेंड करना पड़ता है।